दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं प्रीति राजगोर आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाई हूँ वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह घर के मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट। देखा जाए तो जब भी कोई परिवार नए घर में रहने के लिए जाने वाला होता है या जब किसी का नया मकान बनकर तैयार हो जाता है तब अक्सर लोग सबसे पहले घर का कोई नाम रखने और नेम प्लेट बनाकर घर के बाहर लगवाने के बारे में सोचते हैं। जब भी कोई मेहमान व अन्य व्यक्ति आपके घर आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र नेम प्लेट पर ही जाती है। नेम प्लेट ही वह चीज़ होती है जो घर के इंटीरियर का पहला इम्प्रेशन देती है, यहाँ तक कि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी काफ़ी कुछ बता देती है। इसलिए इसका चुनाव सोच समझकर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वास्तु के अनुसार ढंग से नेम प्लेट लगाया जाए तो सूर्य ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, व्यक्ति की बहुत तरक्की होती है। ऐसा माना जाता है कि नेम प्लेट आपके घर में धन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को आमंत्रित करता है। हर घर का नामकरण करके बोर्ड और नेम प्लेट लगाना चाहिए, इससे प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, धन यश और सम्मान भी मिलता है। नेम प्लेट से इंसान की पहचान बनती है जो आपसे मिलने आता है, नेम प्लेट देखकर इम्प्रेस होता है। अपने घर का नामकरण करें, अपने घर के नाम का नेम प्लेट लगाएं, जैसे लोग लिखते हैं राजनिवास, आस्था कुटीर, लाल कोठी, रंग महल आदि। कुछ लोग भगवा के नाम पर भी घर का नामकरण करते हैं, जैसे शंकर निवास, लक्ष्मी कोठी, कृष्ण कुंज, हरिधाम आदि। हर इंसान को अपने मकान का नामकरण कर मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाना चाहिए, इससे आपका रुतबा बढ़ेगा। वास्तु के अनुसार ढंग से नेम प्लेट लगाया जाए तो सूर्य ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, व्यक्ति की बहुत तरक्की होती है, मान सम्मान बढ़ता है, वह बहुत मालामाल हो जाता है। कैसी होनी चाहिए नेम प्लेट? नेम प्लेट साफ सुथरी होनी चाहिए, दो लाइन की होनी चाहिए। नेम प्लेट प्रवेश दरवाजे में बाईं तरफ लगाए, पूरा नाम होना चाहिए, आपका पद भी साफ अक्षरों में होना चाहिए। दरवाजे पर आधे से ऊंचे लगाएं, आयताकार होना चाहिए, गोल या तिकोनाकार नहीं लगाएं। नेम प्लेट टूटा फूटा ढीला ना हो, नेम प्लेट में छेद ना हो, हिलने वाला नेम प्लेट ना हो, उस पर फूल पशु पक्षी ना बने हो। नेम प्लेट पर धूल मिट्टी या मकड़े के जले ना हो। नेम प्लेट का रंग घर के मुखिया के राशि के अनुसार होना चाहिए, अक्षर और नंबर की गणना ठीक से करें। नेम प्लेट कैसा हो? नेम प्लेट के बोर्ड पर गणेश जी बने होने चाहिए। नेम प्लेट के बोर्ड पर स्वस्तिक एवं ओम होना चाहिए। ऑरेंज कलर का होना अच्छा होता है। नेम प्लेट को रविवार को लगाएं, धूप दीपक जलाकर ही लगाएं। नेम प्लेट किसी धातु या लकड़ी दोनों की ही हो सकती है।
नेम प्लेट बनाने वाले और लगाने वाले को अच्छा इनाम दे। नेम प्लेट पर रोशनी अच्छी आए या अंधेरा ना हो, इसका खास ध्यान रखें। दो नेम प्लेट साथ साथ ना हो, दो नेम प्लेट लगानी हो तो ऊपर बड़े और नीचे छोटी ऐसे लगाएं। नेम प्लेट पर कोई परफ्यूम या इत्र छिड़कते रहें। नेम प्लेट कैसी हो? नेम प्लेट के पीछे मकड़ी, छिपकली, चिड़िया, कीड़ा आदि ना हो, जीव जंतु ना रहते हो। काली चिटिया घूमना शुभ माना जाता है। नेम प्लेट में छपे अक्षर ढीले, घिसे हुए या टूटे ना हो। कुछ टूटना शुभ नहीं माना जाता। टूटे नेम प्लेट को तुरंत बदल दो। नेम प्लेट की स्थापना के बाद पूजा करनी चाहिए। पूजा किसी पुजारी या महिला इसे स्पर्श करके पूजा करे, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।